परमात्मा से डर उस समय लगता है जब हम कुछ तत्व ज्ञान से परिचित हो जाते हैं। तत्व ज्ञान से परिचित होने के बाद परमात्मा कहते हैं, तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा कि तुम यहां गलतियां करते हो, रिश्वत लेते हो, किसी को सताते हो, अपने से निर्बल को तंग करते हो। परमात्मा के पास तुम्हारा एक एक श्वास का अकाउंट है। आप मन में गलत भी सोचते हो, वो भी आपके बैड अकाउंट में वह एंट्री होती है और उसका भी फल आपको भोगना पड़ता है। आप देखते हो किसी के टांग कट गई, किसी का हाथ कट गया, किसी की आंखें फूट गई, कोई कोड से पीड़ित है, किसी को कैंसर है, किसी की जिव्या में कैंसर है, किसी के कहीं पर परेशानी है, ये कारण क्या है? अब वो सोचता है कि मैंने इस जन्म में कुछ ऐसा किया नहीं, भगवान कहाँ है, मुझे क्यों दुख दिया। तो ये हमारी बालकों वाली बुद्धि है। हम भूल जाते हैं कि हम पहले भी बहुत बार जन्म चुके हैं और उन जन्मों में हमने कितने जुल्म किए हुए होते हैं। राजा बने, वह अनर्थ किए, अत्याचार किए, शक्ति का दुरुपयोग किया और अब उसका भोग किया। कोई अंधा होकर डोल रहा है, कोई दोनों पैर नहीं उसके। पुण्यात्मा, ये तो हुआ सो हुआ। अब भगवान हमें बताना चाहते हैं कि जो हो चुका बच्चों, अब तो संभलो। अब चाहे कितना ही रोगी हो, कैसा ही अंग भंग हो और कैसा ही दुष्ट या नेक व्यक्ति हो, परमात्मा के ज्ञान से वह फिर से संभल सकता है। परमात्मा ने आकर हमें बताया, एक पुन्नी एक पापी आया, एक है सूम दलेल रे, गरीब दास हरि नाम बिना सब ही जम की जेल रे।